देखेंगे। सबसे पहले मैंने कल भी ये टॉपिक डिस्कस किया था, आज जितनी भी लेडीज यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग सुन रही है, जितने भी जेंट्स सुन रहे हैं, मैक्सिमम लोग ना अपने फेस के स्किन का ख्याल रखते हैं, फेस के स्किन के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, फेस के स्किन के लिए वो मॉइस्चराइज करेंगे, स्किन टोन आपको स्क्रब करेंगे, फेस वॉश करेंगे, लेकिन हम अपने हैंड की स्किन को, अपने हाथ पैर की स्किन को, अपनी बॉडी की स्किन को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं। जिस तरीके से आपके फेस को जरूरत है ना, उसी तरीके से आपके बॉडी को, स्किन की भी जरूरत होती है, उसको अच्छे से साफ करना, उसको मॉइस्चराइज करना, क्योंकि आपका फेस बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है। मैं मानती हूँ कि पहले जब कोई मिलता है तो सबसे पहले आपके फेस पे नजर जाती है, इसलिए हम फेस का ज्यादा ध्यान देते हैं, फेस बहुत अच्छा है, लेकिन आपके हाथ बहुत ड्राई है, आपके हाथ पे दाग धब्बे हैं, तो वो एक गलत इंप्रेशन देता है। इसीलिए एलिमेंट्स वेलनेस कहता है क्यों ना पूरे बॉडी का ही ख्याल रखा जाए, अंदर भी और बाहर भी, मतलब अंदर से भी हार्ट अच्छा है और आपकी स्किन भी बाहर अच्छा है, ओवरऑल आपको अच्छा बनाए, ओवरऑल आपको खूबसूरत बनाए। इसीलिए हमारी कंपनी पर्सनल केयर के रेंज के प्रोडक्ट्स लेकर आई है। और एक चीज में आज जितने भी जेंट्स देख रहे हैं उनको भी मैं बोलूंगी, ये सारे प्रोडक्ट एक लेडी ट्रेनिंग दे रही है और लेडीज की फोटो बहुत सारे प्रेजेंटेशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज ओनली मेंट फॉर लेडीज, ये जेंट्स को भी यूज करना है, जेंट्स के लिए भी ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं और जेंट्स को भी थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है, तो इसके लिए सारे प्रोडक्ट्स लेडीज जेंट्स दोनों के लिए है। सबसे पहले आज जो हम प्रोडक्ट लेंगे उसका नाम है स्किन वाइटनिंग लोशन। ये वाइटनिंग बॉडी लोशन है, वाइटनिंग से नाम ही बता रहा है, आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा वाइट करता है, आपके स्किन के टोन को थोड़ा, आपका वो थोड़ा स्किन टोन जो है उसको इम्प्रूव कर देता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये, इसको ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला आप कह सकते हैं, मतलब ये तीन तरीके से काम करता है। देखिए सबसे पहली बात, हमारे जो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपको बताती हूँ ना, ये मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए जाती हूँ, मुझे पता है आधे घंटे के बाद दो चार बातें ही आपको याद रहेंगी, लेकिन अगर वो दो चार बातें ही अगर आप लोगों को बता देंगे ना, तो जब आप कोई चीज लेने जाते हैं वो बताते हैं कि इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, आप, मुझे पता है सारी बातें याद नहीं रहती, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अरे उसने 10 चीजें बताई थी, इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसीलिए हम थोड़ा डिटेल में जाकर बात करते हैं और कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आते हैं, आप धीरे धीरे लर्न करना सीखिए, ये सारी चीजें आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगी। ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेशन करता है, ये क्या है आगे बताऊंगी, रिवाइटलाइज करता है आपकी बॉडी को और स्किन को वाइट भी करता है। मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं वो कहते हैं आपकी स्किन को लगाओ आपकी स्किन को वाइट करेगा, लेकिन स्किन की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, स्किन को अच्छा रखने पे ध्यान नहीं देते। हमारा प्रोडक्ट कहता है स्किन को वाइट तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी दो बेनिफिट दे रहा है, वो क्या बेनिफिट है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या है, मैंने आपको, आपसे दो तीन ट्रेनिंग पहले मैंने एक टॉपिक पे लिया था कि हमारी जो स्किन है, जो हमारी स्किन का जो ऊपरी पार्ट है वो हर 30 से 40 दिनों में पूरा रिन्यू हो जाता है, मतलब पूरा बदल जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। अगर हम उसको अच्छा प्रोटेक्शन देंगे, अच्छा उसको मेंटेन करेंगे, तो 30 से 40 दिनों में हम अपनी स्किन को पूरा रिन्यू कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए अगर बात करें, हमारी स्किन जो है वो हर दिन शेड होती है, इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए, कुछ ऐसी चीजें डाली गई हैं जो आपकी स्किन को अच्छा रखने में, उसको रिन्यू करने में मदद करती है। और जब आपकी स्किन अच्छी हेल्दी रहेगी तो एंटी एजिंग बेनिफिट भी देता है। जब हम बूढ़े होने लगते हैं, आप देखते हैं हमारी स्किन पे दाग धब्बे होने लगते हैं, स्किन लूज होने लगती है, तो जब आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो एंटी एजिंग भी बेनिफिट ये आपको देता है। और आपकी स्किन ऑक्सीजन ज्यादा ले पाए, क्योंकि ऑक्सीजन जब अच्छे से मिलेगा तो आपकी स्किन जो है वो ज्यादा रिन्यू करेगी, ज्यादा हेल्दी दिखेगी। तो ये ऑक्सीजनेशन में मदद करता है, आपके स्किन के सेल्स को रीजेनरेट करता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्किन को अच्छा रखने के लिए। दूसरा क्या करता है, आपकी स्किन को लाइट करता है। लेकिन आपको कभी भी, देखिए मैं कभी भी कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलती हूँ, कभी भी आपको ये नहीं बोलना कि किसी का स्किन टोन एकदम डार्क है तो आप एकदम लगोगे कि फॉरेन से आए हो या फॉरेनर हो, ऐसा कभी किसी को गलत नहीं बोलना है। आपको कहना है आपकी जो स्किन का टोन है उसको दो तीन शेड वो इंक्रीज कर देता है, आपके स्किन के टोन को अच्छा कर देता है। आपका जो भी अभी स्किन टोन है उससे आपको थोड़ा लाइट कॉम्प्लेक्शन महसूस होगा कुछ यूसेज के बाद, तो आपके स्किन टोन को लाइट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें केसर और मुलेठी ये दो चीजें इसमें डाली गई हैं। तीसरा जो है उसको हम रिवाइटलाइजिंग कहते हैं, मतलब जब हमारी एज होने लगती है या कुछ दिनों के बाद, एक बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उस पे दाग धब्बे नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है स्किन पे झुर्रियां आने लगती हैं, दाग धब्बे होने लगते हैं, स्किन पे ब्लेमिशेस होने लगते हैं, तो इसपे जो ऑलिव ऑयल है, मिल्क, दूध का क्रीम डाला गया है, विटामिन ए है, आपके स्किन को अच्छा रखने में भी मदद करता है। अब हम इसके एक एक इंग्रेडिएंट्स को ना डिटेल में जाकर बात करेंगे।
सबसे पहले सैफ्रन मतलब केसर, केसर जो होता है वो बहुत महंगा होता है क्योंकि बोलते हैं हजारों पेड़ों से थोड़ा सा केसर हमें मिलता है। तो केसर जो है वो एक नेचुरल सनस्क्रीन जैसा काम करता है, मतलब इसको बोला जाता है कि ये जब आपकी स्किन पे, जब आप बाहर जाते हैं सूरज की जब किरण आपकी स्किन पे पड़ती है तो आपकी स्किन को डैमेज करता है। मैंने एक चीज आपको फेयरनेस क्रीम में भी बताई थी, वो क्या है, दो तरीके की सूरज की किरण आपकी स्किन पे पड़ती है, दो तरीके की यूवी लाइट आपकी स्किन पे पड़ती है। एक होता है यूवी ए, अल्ट्रावायलेट ए, एंड यूवी बी। आप जैसे इस फोटो में देख रहे हैं, अल्ट्रावायलेट ए जो होता है ना वो अंदर तक चला जाता है और आपको झुर्रियां होने का जो कारण है वो अल्ट्रावायलेट ए की वजह से होता है। लेकिन अल्ट्रावायलेट जो बी होता है किरण, वो आपकी स्किन के ऊपर डैमेज करता है, तो इसकी वजह से आपकी स्किन काली हो जाती है, टैन हो जाती है। तो जो सैफ्रन है, केसर है, वो आपकी स्किन पे जो सूरज की किरण है वो एब्जॉर्ब होने नहीं देता है और आपकी जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट करने में, आपको बचाने में मदद करता है। दूसरी चीज क्या है, हमारी जो स्किन है वो उसका कलर क्यों होता है, मेलानिन की वजह से। जिनके स्किन में मेलानिन ज्यादा होगा उनके स्किन का कलर ज्यादा डार्क होगा, मेलानिन कम होगा तो उनकी स्किन ज्यादा गोरी दिखेगी। तो ये क्या करता है, जो मेलानिन का पिगमेंट है जिसकी वजह से आपका स्किन का कलर डार्क है उसको कम करने लगता है और नेचुरल तरीके से आपके स्किन जो है वो उसका कलर जो होता है वो लाइट होने लगता है, आपकी स्किन थोड़ी गोरी होने लगती है और आपकी स्किन पे चमक आने लगता है। तो ये बेनिफिट दूसरा देता है सैफ्रन। और क्या बेनिफिट देता है, आपके स्किन के टोन को अच्छा करता है। जैसे आपने सुना होगा जब आप फेस वॉश करते हो तो उसके बाद आप फेस वॉश यूज करिए, उसके बाद आप टोनर लगाइए। टोनर क्या करता है, जब आप मुंह धोते हैं या जब आप अपनी स्किन को धोते हैं, स्किन के जो छेद होते हैं ना, जिसको हम स्किन के पोर्स बोलते हैं, रोम छिद्र बोलते हैं, जिसमें से बाल बाहर आते हैं, वो थोड़े खुल जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है जब आप ये सैफ्रन उसके ऊपर लगाते हैं, जब आप अपना स्किन वाइटनिंग लोशन लगाते हैं, तो उस पोर के साइज को कम कर देता है और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है, कभी कभी स्किन पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, क्योंकि बैक्टीरिया हर वक्त हमारी स्किन पे हमला करता है। तो ये क्या करता है, उस बैक्टीरिया को हमें मारने में मदद करता है। तो आपने देखा, एक तरीके से नहीं, चार तरीके से ये सैफ्रन हमारे इस प्रोडक्ट में काम करता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट हमने डाला है वो है वेटिवर। ये भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट हमने डाला है जो मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, हम स्किन बस लाइट नहीं कर रहे, बस गोरा नहीं कर रहे, हम उसके साथ साथ आपकी स्किन की क्वालिटी को भी अच्छा कर रहे। तो आपकी स्किन जितना मॉइस्चराइज होगी, जितना उसमें पानी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, उतना आपकी हेल्दी लगेगी और बाहर से जो भी चीज हमारी स्किन पे हमला करती है उससे लड़ने में मदद करता है। ऊपर की फोटो देख रहे हैं, इसमें एक यंग पर्सन का स्किन है, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं हमारी स्किन पे झुर्रियां वगैरह दिखने लगती है, तो एंटी एजिंग से भी बचने में हमें मदद करता है। तो वेटिवर जो है ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो हमारे इस प्रोडक्ट में डाला गया है। दूसरी चीज क्या है, लिकोरिस, जिसको मिलेठी भी कहते हैं, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपको मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगी लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी ये क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ना लिकोरिस, ये हजारों सालों से आपके स्किन को वाइट करने में आयुर्वेद में यूज किया जा रहा है। बोला जाता है कि अब एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज आएगी, जैसा मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको बताया हमारी स्किन में मेलानिन होता है जिसकी वजह से स्किन का कलर जो होता है वो डार्क होता है, ज्यादा मेलानिन तो स्किन का कलर ज्यादा डार्क है। तो वो मेलानिन बनता कैसे है, हमारे प्रोटीन, हमारे स्किन में प्रोटीन होता है, मैंने आपको प्रोटीन पाउडर में बताया था, प्रोटीन पाउडर जो होता है वो अमाइनो एसिड से बना होता है। एक अमाइनो एसिड जो होता है उसको हम टायरोसिन कहते हैं, और एक एंजाइम, ये दोनों जब मिलते हैं तो आपके स्किन में मेलानिन बनता है। तो हमारे जो ये लिकोरिस में कंपाउंड पाया जाता है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिक्रिटिन उसको हम कहते हैं, वो क्या करता है, जो एंजाइम आपका वो मेलानिन बना रहा है उसको ही रोक देता है। तो जब वो रुक जाएगा तो आपका, जब ज्यादा मेलानिन नहीं बनेगा तो आपका स्किन जो होगा वो व्हाइट होना स्टार्ट होगा, मतलब आपका स्किन नेचुरल तरीके से उसमें ग्लो आएगा, उसमें चमक आएगी, स्किन का टोन जो होगा वो कम होने लगेगा और आपकी स्किन गोरी दिखने लगेगी। अगर स्किन पे कोई खुजली हो गई है, रैशेस हो गए हैं, स्वेलिंग हो गई है, लाल हो गया है, या कोई भी इरिटेशन, कोई भी सूजन वगैरह हो गई है, तो उससे भी ये लिकोरिस जो है वो आपको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। दूसरी चीज ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल से बहुत सारे लोग अपने बॉडी पे मसाज भी करते हैं, क्यों, ये आपकी बॉडी पे जब मसाज करते हैं तो जो वाटर है उसको लॉस होने से बचाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है। अंदर में बॉडी में डालने के लिए तो 95 है, लेकिन स्किन के लिए भी तो एंटीऑक्सिडेंट चाहिए, क्योंकि स्किन पे भी तो फ्री रेडिकल बन रहा है,
वो आपका ऑलिव ऑयल काम करता है। ऑलिव ऑयल क्या करता है, जो भी फ्री रेडिकल आपके स्किन पे बन रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है, आपकी स्किन को हेल्दी करता है। और बहुत सारे लोगों को देखा होगा, होते हैं 30-35 साल के, लेकिन उनकी स्किन ना ज्यादा एज हो गई होती है, मतलब वो ज्यादा बूढ़े दिखने लगते हैं। तो जो प्री मेच्योर एजिंग हो रहा है, मतलब पहले उम्र से ज्यादा अगर एजिंग हो रहा है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है और आपको धूप से भी बचाने में मदद करता है। आगे बात करें, एक चीज है इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं मिल्क क्रीम। ये तो हमने बचपन से देखा है, पहले के जमाने में भी लोग मलाई वगैरह लगाया करते थे। क्यों? मलाई जो होती है दूध के ऊपर की, जो मलाई हम हटा के लगाते थे, तो वो आपके स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स है ना उसको कम करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है और आपकी प्री मेच्योर जो एजिंग हो रही होती है। पहले के जमाने के लोग में आप देखते थे 40-50 साल में भी यंग दिखते थे, क्योंकि वो नेचुरल चीजें ये सब यूज करते थे। आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, अगर स्किन पे कोई इरिटेशन है स्किन का कलर लाइट करने में मदद करता है, और आपके जो पोर्स है, जो छेद है अगर आपके स्किन पे है उसको टाइट करने में मदद करता है। जितने आपके पोर्स टाइट रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपके स्किन पे लॉन्ग टर्म देखा जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे इस प्रोडक्ट में है। अब मैं कुछ चीजें रिपीट करूंगी जो कल मैंने बात की थी। क्या हमारे जो भी लोशन है, जो भी आपका फेस वॉश है, जो भी स्किन केयर का प्रोडक्ट है, सब में हमने दो चीजें डाली हैं। एक हमने आपको विटामिन ई भी डाला है, और प्लस आगे मैं बात करूं विटामिन ई का बेनिफिट, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, फ्री रेडिकल से हमें बचाता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अब दो इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल रिपीट की थी वो क्या है, हमारे हर एक प्रोडक्ट में मिनरल कॉम्प्लेक्स डाला गया है और विटामिन मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स डाला गया है। मैंने आपको कल भी बताया था हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल की जरूरत होती है, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, मैग्नीशियम हो, हमारे स्किन को भी मिनरल की जरूरत होती है। स्किन को जब मिनरल प्रॉपरली मिलता है, कहते हैं अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होगी तो आपकी जो स्किन है वो जल्दी बूढ़ी होने लगेगी। आपकी स्किन पे अगर कोई चोट लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जिंक जो है उसको भरने का काम करता है, उसको रिपेयर करने का काम करता है। इसीलिए हमने अपने हर एक बॉडी केयर के प्रोडक्ट में, हर एक फेस वॉश में हमने मिनरल कॉम्प्लेक्स डाला है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सब में मिनरल कॉम्प्लेक्स है, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर, जो आपकी स्किन को अच्छा करता है। और हर एक प्रोडक्ट में हमने मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स डाला है। इस चीज को मैंने कल भी मैंने इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, बार बार आपको याद दिलाया था। क्यों? बॉडी के लिए तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, आपके स्किन को भी जरूरत है। मैंने बताया स्किन हर दिन रिन्यू होती है, हर दिन पुराने सेल मरते हैं, नए सेल बनते हैं, 30-40 दिनों में पूरी स्किन बदल जाती है। इसमें विटामिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अगर आपकी स्किन में विटामिन की कमी होगी तो आप देख रहे हैं आपकी स्किन ऐसे फ्लेकी हो जाएंगे, ऐसे ऊपर से स्किन की परत हटेगी, आपको पिंपल, रैशेज, आपके झुर्रियां पड़ने लगेंगे, रिंकल पड़ने लगेंगे, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है अगर हमारे स्किन में विटामिन की कमी होती है। और आप जब धूप में जाएंगे आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाएगी, धूप का असर जल्दी आपकी स्किन पे पड़ेगा। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है, सारे अपने प्रोडक्ट में मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स और मिनरल कॉम्प्लेक्स डाला गया है। इसमें आपको क्या चीज याद रखनी है, सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है, मतलब इसमें हमने जो भी ऐसी चीज डाली है जो आपके स्किन के कलर को अच्छा करती है, ऑल आर नेचुरल इंग्रेडिएंट, सारी नेचुरल चीजें, चाहे वो केसर हो, चाहे वो मुलेटी हो, चाहे वो वेटिवर हो, सारी नेचुरल चीजें डाली है। प्लस मल्टी विटामिन भी डाला है, क्योंकि स्किन को भी विटामिन की जरूरत होती है, उसको भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसमें भी फ्री रेडिकल बनते हैं, आपकी स्किन को सांस लेने में मदद करता है, स्किन जितना ऑक्सीजन ले पाएगा उतना ज्यादा हेल्दी आपकी स्किन रहेगी। अभी हमने जो कल तीन लोशन देखे थे, कल हमने इंटेंस मॉइस्चराइजिंग देखा था, कोको बटर देखा था, एमोलियंट देखा था, ये जो तीन आपने लोशन और क्रीम देखा था इसमें एसपीएफ नहीं है, बट ये जो हमारा लोशन है व्हाइटनिंग लोशन, इसमें सनस्क्रीन कॉम्प्लेक्स डाला गया है, जिसमें आपको एसपीएफ जो है वो 10 है। इसमें जो सनस्क्रीन डाला गया है वो आपको यूवीए यूवीबी दोनों से बचाता है, और आपका जो मिलेनिन है उसको प्रिवेंट करता है बनने से।
तो आपकी स्किन जो है वो नेचुरल तरीके से आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, गोरी होती है, तो आपके कुछ स्किन टोन को ये इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने इस प्रोडक्ट में डाली है। अब इसको लगाना कैसे, जब भी आप बाथ करते हैं, नहाते हैं, तो कोशिश करिए नहाने के तुरंत बाद आपको लगाना है, क्योंकि जब नहाते हैं स्किन पे, जब साबुन वगैरह लगाते हैं, स्किन का नेचुरल ऑयल निकल जाता है, थोड़ा सा स्किन ड्राई हो जाता है। लेकिन एक कोशिश करिए, जब भी आप नहाइए तो अपने स्किन को पूरा पानी पोंछ लीजिए, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो आपका लोशन अच्छे से काम नहीं करेगा। तो पहले अच्छे से बॉडी को वॉश पोंछ लीजिए, उसके बाद आप बॉडी पे क्रीम लगाइए। हाथ पैर जहां पे भी आपको लगाना आप लगाइए, एक्सटर्नल यूज के लिए है बस। और डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट किया गया है कि ये जो प्रोडक्ट है आपके स्किन पे 100% सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर एक तरीके के लोग इसको लगा सकते हैं, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है, किसी की सेंसिटिव स्किन है, ये हर एक तरीके के लोगों को बनाया गया, उनके लिए बनाया गया। और लास्ट में एक और चीज जिसको मैं आज फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी नए जुड़े होंगे हमसे, सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट। मार्केट के आप बहुत सारे कॉस्मेटिक चेक कर लीजिए, शायद ही आपको किसी पे लिखा होगा ये लाइन सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स ने अपने हर एक प्रोडक्ट में, पर्सनल केयर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट माने जाते हैं। जैसे अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो सैफ्रन हो गया, लिकोरस हो गया, वेटिवर हो गया, ये जो तीन है ये मान लेते हैं हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हमने क्या किया है, ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको टॉप MNC कंपनी से उसको सोर्स करवाते हैं, रेप्यूटेड कंपनी से उसको सोर्स करवाते हैं, और उस चीज का प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलता है, प्रॉपर एनालिसिस होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी होते हैं कि यस हमने ये तीन इंग्रेडिएंट अपने इस व्हाइटनिंग लोशन में डाला है, और ये तीन इंग्रेडिएंट जो है वो एक्चुअल में रिजल्ट देता है और वो इसमें उपलब्ध है, वो इसमें मौजूद है। तो उस चीज का सर्टिफिकेशन लिया है जो मार्केट की कंपनीज नहीं करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि हमारे सारे प्रोडक्ट में जो हम बोलते हैं वो हम देते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट में ये चीज हमने अपने प्रोडक्ट में लिखी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट, आपको डब्बे के पीछे ये चीज दिख जाएगी। तो ये था हमारा